हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद पन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलता है आपको खूब सारा प्रॉफिट विद पन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो होगी बहुत ज्यादा शानदार, क्योंकि आज की वीडियो है पाई माइनिंग के अपडेट के बारे में। पाई माइनिंग का रोड मैप आ चुका है और रोड मैप को समझने के बहुत सारे यूट्यूबर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको बतानी है बहुत सारी चीजें। पहले तो आपकी केवाईसी स्टार्ट होने वाली है और पाई माइनिंग के अंदर एक फायरवॉल का ऑप्शन है। वो फायरवॉल का ऑप्शन क्या है, आप उससे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आपको पाई नेटवर्क पाई माइनिंग के जो क्वाइन है उसको यूज कब कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए लेके आया हूं इस सारे अपडेट में। आपको क्या क्या एरर आ रहे हैं सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा, जो भी आपके एरर्स हैं पाई माइनिंग के अंदर, बहुत सारे एरर्स हैं, सारी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, आपने उसकी केवाईसी करने के लिए तैयारी कर लेनी है। अब तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है वो बता दो। पाई माइनिंग की केवाईसी कब है उसकी मैं आपको डेट बता देता हूं। पहले बात कर लेते हैं उससे पहले क्या करना है। दोस्तों अगर आपके पास पाई माइनिंग नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप पाई माइनिंग कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, पाई माइनिंग मतलब पाई के क्वाइन आप माइन करेंगे और वो क्वाइन आपके होंगे, आप उसमें फ्री में क्वाइन बना सकते हैं और जब वो लॉन्च होगा तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है पाई माइनिंग की, तो ये थंबनेल है और ये कार्ड में उसका वीडियो है, मतलब आप कार्ड पर जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद तो ये तो बात हो गई आपने पाई माइनिंग इंस्टॉल कैसे करना है और वेरीफाई कैसे करना है। अब दूसरा एरर दोस्तों सब में आ रहा है, वो लगभग बहुत सारे मैसेज मेरे पास हैं कि सर ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका भी ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो दिसंबर लास्ट तक आपका ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा है और बहुत से लोगों के पास ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि दोस्तों कईयों के पास मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, दिसंबर लास्ट तक आपका मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आ जाएगा। लेकिन कईयों के साथ क्या एरर है, मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन तो है मगर वेरीफाई नहीं कर पा रहे। अब वो कहते हैं कि मैसेज भेजते हैं, सर मैसेज जा ही नहीं रहा। तो दो चीजें समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप पाई माइनिंग का ऑप्शन मोबाइल से वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, लाइक पैसे होने चाहिए, जो दिखाते हैं ना बैलेंस चेक करते हैं, 10 रुपए पड़े, 20 रुपए पड़े, 30 रुपए पड़े, तो 10 रुपए से ज्यादा आपका बैलेंस होना चाहिए। अनलिमिटेड वाला पैक जो है काम नहीं करता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि वो पैसे होने के बावजूद भी वेरीफाई नहीं हो रहा, तो उसका ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप अपना नेटवर्क चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप एयरटेल से कर रहे हैं तो आप वोडा से कर लीजिए, वी से कर लीजिए या जियो से करके, मतलब मोबाइल नंबर चेंज करके एक बार आप देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, अगर आपको ये वेरीफाई करना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो इसकी ये देखिए ये थंबनेल है और ये कार्ड में वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आपका नाम आपकी आईडी से मैच नहीं हो रहा और आपने उस टाइम उसको भर दिया था, तो दोस्तों आप इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, पूरा नाम चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपके पास राम सिंह लगा हुआ है तो राम के आगे कुछ और आप लगा सकते हैं, राम लिखना जरूरी है। स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे राम में RAAM कर दिया और आपकी आईडी में RAM है, लाइक आप समझ रहे हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं, पूरा नाम चेंज नहीं कर सकते। इससे क्या है, पाई माइनिंग ने थोड़ी सी पकड़ बनाई है आपकी कि भाई कोई भी चीज उन्होंने फेक आईडी स्टार्ट करी थी शुरू में, वो अपना नाम पूरी तरह से चेंज ना कर पाए जो आपकी आईडी में वो है। हाँ, करेक्शन आप कर सकते हैं, मतलब आप नाम को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें। अगर आपको नाम चेंज करना और आपकी आईडी से मैच नहीं कर रहा तो एक चीज ध्यान रखना, मान लीजिए आपका नाम आईडी में सिंगल है और आपने उस टाइम डबल नाम लिख दिया, अब आपको करेक्शन करनी है, तो करेक्शन ही हो सकती है दोस्तों। नाम का एरर कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखना। वैसे इसकी वीडियो है, ये थंबनेल है और ये है कार्ड, इसमें आप वीडियो देख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको 7 वीडियो दिखेंगी पाई नेटवर्क की, अगर आप वन बाय वन देख लेंगे तो सारे अपडेट जो अभी तक आए हैं वो देख लेंगे। और ये फिलहाल ये तीसरे नंबर की जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, आप नाम की करेक्शन कैसे कर सकते हैं वो आपको समझाया गया है और आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी आईडी में एक ही नाम है, मान लीजिए राम नाम है, उस टाइम आपने पूरी नाम डाल के लास्ट नेम डाल के राम सिंह, राम वर्मा, राम यादव कुछ भी डाल के आपने एक्टिवेट कर लिया,
तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी आईडी में सेम नाम है और आपने उस टाइम पाई माइनिंग इंस्टॉल करते ही आगे अपना लास्ट नेम भी डाल दिया था जो आपकी आईडी में नहीं है, जैसे आपने राम सिंह डाल दिया, राम यादव डाल दिया, राम कुमार डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, अब आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी आईडी में तो सिंगल नेम है लेकिन रिक्वायर्ड आता है लास्ट नेम, आपको करना ही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा एरर है, इसमें बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इस वीडियो में जवाब देता हूं। क्या करना है आपने कि दोस्तों आपका नाम शुरू का नाम राम है तो लास्ट नेम में भी आप राम ही लिखेंगे, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम हो जाएगा तो भी आपकी आईडी में एरर नहीं आएगा। अब ये तो हो गया दोस्तों नाम का ऑप्शन, ये भी आप पूरी वीडियो देख सकते हैं चेंज कैसे करना है, मैंने कार्ड में दे दी है। अब बात होगी दोस्तों ये तीसरे नंबर की बात, अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे नंबर की बात। चौथे नंबर की बात दोस्तों ये है कि मेन नेट मतलब पाई माइनिंग का मेन नेट जो है स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपर पूरे तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको मेन नेट के चार ऑप्शन जो अभी स्टार्ट हुए हैं उसके बारे में वीडियो देखनी है तो देखिए ये थंबनेल है और ये कार्ड है, आप ये भी जाके प्रॉपर देख सकते हैं चारों ऑप्शन के बारे में बताया है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, चीज ये है दोस्तों कि जैसे देखिए हम इतने टाइम से माइन कर रहे हैं, हमने बहुत सारे रेफरल को माइन करवा रखा है और बहुत सारे लैक्स हमारे नीचे हैं, लाइक हमारी चैन हमारे नीचे है, वो भी लोग माइनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग माइन कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे, हमारा मेन जो बैलेंस है वो होता जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये मेन बैलेंस है भाई 97,000, अब 1,00,000 होने वाले आपके भाई के मजे आ गए। अब देखिए ये मैंने इतने सारे रेफरल कर रखे, अब क्या ये मुझे 1,00,000 पाई जो है वो मुझे मिल जाएगी, तो नहीं दोस्तों ये मुझे नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे पाई माइनिंग वालों ने बैठ के 2-3 साल ये सोचा भाई इतने सारे हमने कॉइन दे दिए हैं अब इनसे वापिस कैसे ली चीटिंग करता है तू, ये बात देखिए दोस्तों बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कुछ दाव पेज बना दिए, कुछ आपका आपके आगे एक वॉल लगा दिए कि भाई इससे नहीं कूद पाओगे तुम इतने सारे कॉइन। वैसे तो देखिए गलत बात है, हमने जो माइन करे वो हमारे कॉइन होने चाहिए, लाइक हम चाहते हैं ये मेहनत हमने करी, ऐसा तो नहीं है किसी और ने मेहनत करी है तो उसके उसके कॉइन भी हमारे पास आ रहे हैं, हाँ हमने जिसको दिया था उसकी स्पीड हमारे पास आ रही है, लेकिन ये प्रॉपर हमारी मेहनत है, हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आप यकीनन आपने भी बहुत रेफरल करे होंगे, ये हमें सीधे तौर पर हमें कॉइन दे देने चाहिए थे मगर नहीं दिए, थोड़ा सोचा है उन्होंने, थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई अब इनको कॉइन कैसे दें, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इनसे मेहनत करवानी पड़ेगी। तो मेहनत दोस्तों ये है, मान लीजिए आप ए हैं, जैसे रोड मैप में समझाया हुआ है, बहुत से लोग नहीं समझ पाए, मान लीजिए आप ए हैं और आपकी लैक्स मतलब आपकी चैन के नीचे बी सी डी ई चार ऑप्शन जुड़े हुए, मतलब ये चार लोग जुड़े हुए हैं, अब मान लीजिए चारों लोग जब केवाईसी करेंगे तो आपको आपके कॉइन मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से अगर सी नहीं करता तो सी के जितने कॉइन है लाइक जितनी आपकी स्पीड उसकी वजह से फर्क पड़ी थी वो आपको कॉइन नहीं मिलेंगे। वेरी सिंपल, मतलब अगर ए कर लेता तो ए के कॉइन मिल गए, बी कर लेता तो बी के कॉइन मिल गए, सी नहीं करा तो उसके कॉइन नहीं मिलेंगे, उसने जितनी मेहनत करी थी जिसके लिए उसकी स्पीड आपके बीच में आई उतनी नहीं आएगी, तो इस चीज से तो बेचैन हो जाएगी भाई सारी केवाईसी करवानी है, सारी केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है, जो जो लोग एक्टिवेट हैं, जो लोग केवाईसी करते रहेंगे उनके क्वाइन आपके बीच में आते रहेंगे। दोस्तों एक और चीज इसके अंदर है जो रोड मैप के अंदर समझाई है, वो समझाइए, मान लीजिए आप ए हैं, बी सी डी इन्होंने आपका माइनिंग कर रखी है और उसके बाद सी ने और नीचे लैग जोड़ रखी है तो उसके कारण भी आपकी स्पीड बढ़ी है, तो दोस्तों ये जरूरी है कि जब तक सी नहीं करेगा और सी के लैक्स नहीं करेंगे तो हो सकता है सी के लैक्स बहुत हों और सी ही ना केवाईसी करे, तो आपको सी और उसके नीचे वालों के जितने रेफरल के कॉइन थे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो जरूरी है दोस्तों जो आपकी टीम है उसको एक्टिवेट करें, बार बार उसको मैसेज करें, उसको पिन करें मैसेज कि आप अपनी पाई माइनिंग नहीं कर रहे हैं और पाई माइनिंग करें, केवाईसी आने वाली है, आप मेरी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर देंगे तो ठीक है भाई का काम भी हो जाएगा, थोड़े लोग और जुड़ जाएंगे, थोड़े लोगों को और फायदा हो जाएगा, आपका प्यार मेरे पे हमेशा बना रहता है और बनेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केवाईसी के बारे में, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि केवाईसी क्या होगी, अब दोस्तों चारों ऑप्शन डन कर लेना, सबसे पहला ऑप्शन ईमेल वेरिफिकेशन, दूसरा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, फेसबुक से लिंक कर सकते हैं आप, वो भी ऑप्शन जरूरी है दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, सारे आपके टिक मार्क हो जाएंगे जैसे ये मेरे हुए, देखिए नाम करेक्शन के आगे ओके है और केवाईसी ईमेल वेरिफिकेशन के आगे ओके है, मोबाइल नंबर के आगे वेरिफिकेशन ओके है। अब मेरी बात रहेगी केवाईसी की, तो दोस्तों मेन नेट स्टार्ट हो चुका है, अब मेन नेट दिसंबर तक पूरी तरह स्टार्ट हो जाएगा, अब उसके अंदर क्या ऑप्शन है दोस्तों ये भी मैं आपको बताता हूं, मेन नेट
मेननेट के अंदर आप अपने क्वाइन जो है वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे जब केवाईसी हो जाएंगे और स्टेकिंग कर पाएंगे। ये चारों ऑप्शन मैंने उस वीडियो में बताया। स्टेकिंग मतलब आप अपने क्वाइन उस पर लगा देंगे और उससे भी अर्निंग तेज हो जाएगी आपकी, पाई माइनिंग की अर्निंग तेज हो जाएगी, ये आपके ऊपर है। आप एक हफ्ता लगाते हैं, एक महीना लगाते हैं, चार महीने लगाते हैं, छह महीने लगाते हैं, एक साल लगाते हैं स्टेकिंग में। स्टेकिंग करना, वहां पर क्वाइन लॉक हो जाएंगे और उसकी अर्निंग आपको मिलने लग जाएगी। ये दोस्तों दिसंबर तक पूरी तरह काम करने लग जाएगा, लेकिन इसके आगे फायरवॉल लगाई हुई है। अब फायरवॉल क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूं। फायरवॉल का मतलब है आप ये वाले कॉइन यहीं पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मतलब जिस कंपनी के कॉइन है, मान लीजिए पाई के कॉइन है, तो आप पाई के अंदर ही यूज कर पाएंगे, उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसके आगे फायरवॉल लगी है। फायरवॉल मतलब एक सिक्योरिटी लगी है कि आप इसी के अंदर कॉइन यूज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों केवाईसी की। सारे ऑप्शन रेडी हो गए, अब आपको केवाईसी करनी है। तो केवाईसी कब मिलेगी? केवाईसी आपको स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर एंड से केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे कि रोड मैप में इन्होंने वादा किया, 14 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था, और कंपनी का कहना है कि हम ये ऑप्शन 14 मार्च 2022 तक कंप्लीट कर देंगे, और हो सकता है 14 मार्च 2022 को हम इसको लॉन्च भी कर दें। ये उस पर आधार करता है कि लोगों ने कितनी केवाईसी कर ली, कितने लोग एक्टिवेट है और कितने फेक अकाउंट को निकाला गया। अब इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, और पाई माइनिंग को हम जैसे हम बात कर रहे थे कि दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों दिसंबर तक इसकी केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत से लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पीछे एक बार डेमो स्टार्ट हुआ था, 100 लोगों की केवाईसी की भी गई और सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गई। अब दोस्तों दिसंबर लास्ट तक आते आते आपको केवाईसी का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा बहुत से लोगों में, सबका एक साथ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ईमेल वेरिफिकेशन अभी बहुत लोगों का नहीं आया, मोबाइल वेरिफिकेशन बहुत लोगों का नहीं आया, तो ऐसे ही केवाईसी का ऑप्शन भी बहुत लोगों को नहीं आएगा। जिन्होंने सारे ऑप्शन डन कर रखे हैं पहले उनका होगा, उसके बाद ही आगे लोगों को मिलेगा। अब दोस्तों अब ये बात हो गई कि दिसंबर में लॉन्च तो नहीं होना, लॉन्च होने वाला है 14 मार्च 2022 को, लेकिन इसमें एक और डेट रखी गई है। एक डेट रखी गई है दोस्तों 28 जून 2022। पाई माइनिंग का कहना है कि हम 14 मार्च 2022 से 28 जून 2022 तक पूरे ऑप्शन खोल देंगे, और फायरवॉल जो मैंने आपको बात करी थी, मेन नेट में फायरवॉल का ऑप्शन है, एक सिक्योरिटी वॉल है जिसको आप पार नहीं कर सकते, वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि इसमें बाय और सेल स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे वॉलेट में जोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको ट्रस्ट वॉलेट में भी डाल पाएंगे, अपने कॉइन जो है ट्रस्ट वॉलेट में डाल पाएंगे। अब वहां से बाय और सेल होता है, कब होता है, क्या होता है, इसका अपडेट मेरी आपको वीडियो में मिल जाएगा। केवाईसी का ऑप्शन आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से जल्दी तैयारी कर ले, और कोशिश करें कि आप ये पूरी 7 वीडियो देख लें। पूरी 7 वीडियो देख लेंगे, आपको एक एक अपडेट मिल जाएगा, और बीच में एक आधी फनी वीडियो भी है जो पाई माइनिंग के बारे में बताई गई थी कि मैंने कमाए 38 करोड़ रुपए, आई थिंक ऐसा कुछ एक थंबनेल है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ आ जाएंगी। ये थी दोस्तों पाई माइनिंग की अपडेट। हो सकता है आपको 14 मार्च 2022 को ही पाई माइनिंग लॉन्च हो जाए, फायरवॉल हट जाए, और आप अपने कॉइन दूसरे वॉलेट के अंदर, प्राइवेट वॉलेट के अंदर जाके डाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों पाई माइनिंग का पूरा अपडेट। अगर आप नए हैं और आपको समझाने का तरीका बढ़िया लगा और आप चाहते हैं कि अगली अपडेट मैं ही आपको दूं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बनता है दोस्त, यहां पर आपको पूरी अपडेट मिलती है, मेरी मार्केट की अपडेट मिलती है, मेरे बताए हुए कॉइन का बाय पॉइंट और सेल पॉइंट आपको पूरा मिल जाता है, कंप्लीट अपडेट देता हूं आपको, तो आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है SMC कपिल देव, प्रॉफिट विक वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस।